नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई, ये ऊपर वाले लॉफ्ट से जो हमने ब्रीडिंग के लिए रिंग निकाल रखी थी, वे हटा दी गई है, वे नीचे शिफ्ट कर दी गई है और यहाँ दूसरे बच्चे छोड़ दिए गए हैं। और भाई, सफाई की थी आज, ये देखो सफाई कर दी गई है। पूरा लॉफ्ट चकाचक कर दिया गया है क्योंकि भाई बरसातों का समय चल रहा है और जैसे ये खिड़कियां हैं, इधर से आड़ी तिरछी जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है और फिर बीटों में बदबू हो जाती है। तो भाई अब सफाई कर दी है, इधर से भी और उधर से भी वेंटिलेशन है, तो भाई पानी अंदर नहीं आएगा और ना ही बीटे सड़ेंगी और ना ही कबूतर बीमार होंगे। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो अपने कबूतरों को, ये पानी रखा हुआ है और ये मिट्टी है जो हमने बना रखी है, वो मिट्टी रखी हुई है, जिसका भी दिल करे खाते रहो। तो भाई आप सफाई देख सकते हो, अभी 2 कट्टे बीट निकाल लिए हैं भाई, बहुत देर होगी मेहनत करते हुए। तो मगा भाई एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए ताकि और भाइयों का भी फायदा हो सके। भाई अब देखो, अब बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते रहते हैं, भाई कबूतरों की आंख आ गई, आंख आ गई, आंख आ गई। भाई आंख तो आएगी अगर आप बरसातों का पानी अंदर जाएगा और आप अपने लॉफ्टों की सफाई नहीं करोगे और उसमें कुछ ही चीज़ का छिड़काव नहीं करोगे तो भाई बीमारी तो पनपेंगी। अब जैसे आप पूरा लॉफ्ट देख रहे हो, चलो थोड़ा बाहर कबूतरों को दिखाता हूँ। पहले जैसे कि आप पूरे लॉफ्ट में देख रहे होगे, हमने कबूतर बाहर निकाल के और सफाई करके और अंदर पूरे के अंदर सफाई करके चूना मार दिया है। चूना जो है भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ये कीटाणु पैदा होते हैं, उनको मार देता है और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं कबूतर भी अंदर करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। सफाई बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी जानवर, अगर आप पालते हो छोटे से लेके बड़ा तक, कोई भी जानवर आप पालते हो तो सफाई बहुत ज़रूरी है उनके लिए। भाई ये धीरे धीरे करके जा रहे हैं अंदर। ये मखोया रह गया, इसको भी अंदर करते हैं फिर बाहर की सफाई करेंगे। बड़े हुए हैं भाई, पागल हो रहा है क्या? आखिरकार हाथ से ही पकड़ के ले जाना पड़ेगा। ये देखो भाई कबूतर छोड़ दिया, फट फट भी कर रहे हैं, हल्का फुल्का चूना उड़ रहा है और ये थोड़ा सा लगता है भाई नाक नोकों में। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ना पानी का छिड़काव करके ऊपर से मार दो इसको, तो ये उड़ेगा भी नहीं और नाकों में भी नहीं लगेगा। अभी मेरा क्या था, कुछ जगह गीली है तो मैंने पानी नहीं मारा भाई, ये काफ़ी मेरा कम ही उड़ रहा है। अगर उड़े तो आप हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर सकते हो जिससे ये उड़े ना। और ये देख लो भाई कबूतर अब कैसे भी बीट बीट करते रहे, बीट बिल्कुल नीचे गिरेगी, दाना ऊपर खाते हैं जाल पे और कबूतर बिल्कुल फिट है। ये देख लो भाई हर तरीके के कबूतर हैं इसमें भाई, इसमें
हैं अपनी सारी नस्लें हैं, जितनी मेरे पास हैं नस्लें सारी हैं इसके अंदर। बैठने का सिस्टम और बनाऊंगा, और इनमें से ना बहुत सारे कबूतर जाने हैं भाई, जिन भाइयों ने बुकिंग करवा रखी थी और काफी कबूतर उनके हैं, अभी डिलीवरी हो नहीं पाई उनकी। धीरे धीरे करके चले जाएंगे। भाई मैं तो हमेशा इसी चीज़ का प्रयोग करता हूँ अपने कबूतरों में, और बिल्कुल हेल्थी रहते हैं। थोड़ा बहुत गले में लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे गला ही साफ हो जाएगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये देख लो भाई, कबूतर सभी के सभी हेल्थी हैं। और भाई भाई कहते हैं हमारी आँखें आ गई, कोई दवाई बताओ। भाई अगर जिस भाई की लॉफ्ट में आँखों की बीमारी आ जाती है, तो सबसे पहले आप जितने भी आपके बच्चों की या बड़ों की आँख आई हुई उन्हें अलग कर लो। और एक फिटकड़ी ऐसी चीज़ है, फिटकड़ी के पानी से, सफ़ेद फिटकड़ी ले लो और उसके पानी से उनकी आंखें साफ करो सुबह शाम, और कोई भी उसके बाद आई ड्रॉप आप डाल दो, 5-7 दिन करोगे तो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। बाकी किसी एंटीबायोटिक दवा का भी कोर्स करवाओ, ताकि क्योंकि ये इन्फेक्शन बनता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो एंटीबायोटिक दवा का वो चलाओगे तो कबूतर आपके जो है जिनकी आंखें आई हुई हैं वे भी ठीक हो जाएंगे, और आगे दूसरों की आंखें आएंगी नहीं और कबूतर बिल्कुल आपके फिट रहेंगे। ये देख लो भाई, आपके सामने हैं ऊपर नीचे। आज ऊपर वाले लॉफ्ट की सफाई हुई है, कल भाई करूंगा नीचे वाले की, क्योंकि अकेला आदमी हो के भाई परेशान हो जाते हैं सफाई करने में, फिर इनका दाना पानी भी है, फिर दुकान भी पे जाना है, तो भाई बड़ी मेहनत का काम है। कबूतर पालना कोई आसान काम नहीं है भाई, लेकिन उसके साथ मेंटेनेंस आप देख लो, किसी भी कबूतर को आप देख लो, मेंटेनेंस भाई बहुत ज़बरदस्त मैं रखता हूँ अपने कबूतरों को। ये देख लो आप, कोई भी कबूतर देख लो, किसी भी को भी देख लो भाई आप, टाइम टू टाइम हमेशा मैं अपने कबूतरों में दवाइयों का, मतलब मल्टीविटामिन का, इनका दवाई तो मैं जब देता हूँ जब मुझे महसूस होता है कि भाई कबूतरों में कोई दिक्कत आने वाली होती है, वैसे कोई दवाई देनी नहीं चाहिए। और मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विमराल, ब्रूटोन, इन चीज़ों का तो वैसे भी कबूतरों में प्रयोग करते रहना चाहिए भाई, ये दवाइयाँ नहीं है, इससे आपके कबूतर बिल्कुल हेल्थी रहते हैं। इनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा तो दोस्तों इनका सब कुछ अच्छा रहेगा, इनका पोर्स चलना चाहिए, और दाना भी इनको वाहियात नहीं देना चाहिए, समय के अनुसार ही दाना देना चाहिए, जितना ये खाते हैं उतना एक टाइम ही चुगाता हूँ दोस्तों मैं अपने कबूतरों को, चाहे ब्रीडिंग वाले हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों। ये देख लो अभी किसी को भी दाना नहीं दिया, अब दाना दूंगा, और दाना भी बिल्कुल उसी क्वान्टिटी में देते हैं जितना ये खाते हैं, फालतू फंड का रख के नहीं जाते हैं भाई, खाते रहेंगे क्योंकि ये जानवर हैं। देखो दोस्तों, अगर आप ज़्यादा रखोगे तो ये ज़्यादा में भी मुंह मारते रहेंगे, लेकिन खाना है जब इन्हें प्रॉपरली भूख लगती है, जो भी आप टाइमिंग बढ़ाओगे ना, जब भी इन्हें प्रॉपरली भूख लगती है 10 से 15 मिनट के अंदर कबूतर अपना पेट भर लेता है, उसके बाद तो वो मौज मस्ती करता रहता है। जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं उनके लिए आप थोड़ा हा पहले अपनी क्वांटिटी नाप लो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत ज़्यादा उनके लिए रख के जा सकते हो, क्योंकि वे बच्चे भी भरते हैं, उसके बाद वे अपना पेट भरेंगे। लेकिन जो आपके अलग हैं या जो उड़ने वाले हैं, हमेशा उन्हें एक ही टाइम दाना चुगाना चाहिए, और बिल्कुल फिट रहेंगे आपके कबूतर, क्योंकि इनका पोट भी देखो जैसे हम हैं, हमें रोटी खा ली उसके बाद हमें कोई कुछ खिलाएगा तो हम खाएंगे नहीं जब तक हमारा पेट उसको हजम ना कर ले, ऐसे ही जानवरों में दोस्तों ये पक्षी हैं बेचारे, इनको बोलना तो आता नहीं है, लेकिन इनकी धीरे धीरे करके इनकी जो भी आदतें हैं उन्हें हमें समझना पड़ता है, और अपने कबूतरों को अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है कि आप अपने कबूतर को कैसे रखते हो कैसे नहीं रखते। भाई मैं तो जो भी करता हूँ अपने कबूतरों में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो, जो बरसातों के मौसम में जैसे देख रहे हो अभी सफाई करके सारे पे चूना मैंने मार दिया है, और
चाहे बरसात आ जाए चाहे कुछ आ जाए, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो कट्टे बीट निकली है इसके अंदर से। मैं भी काफ़ी दिन से सोच रहा था कि सफाई करूँ, लेकिन समय नहीं लग रहा था। तो भाई आज मैंने समय निकाल के अपने कबूतरों की सफाई कर दी है। आज ऊपर वाले लॉफ्ट की कर दी है, कल नीचे वाले लॉफ्ट की कर दूंगा। तो भाई मैंने ये सोचा कि मगर क्यों ना भाइयों के साथ भी शेयर करूँ इस बात को कि भाई मैं अपने कबूतरों की सफाई की थी, तो मैंने इस चीज़ का प्रयोग किया। और साफ सुथरा पानी, मिट्टी विट्टी सब कुछ ही नहीं के अंदर रखी रहती है। जिसको जो पीना है वो खाना है वो खाओ, जो पानी पीना है पानी पियो, और दाना मैं अपने समय अनुसार ही नहीं देता हूँ। तो भाई ये देख लो, बिल्कुल कबूतर हेल्थी हैं, आँख वाँख सब चीज़ बिल्कुल फिट हो रहे हैं कबूतरों की। तो भाई यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग भी पालन करोगे तो आपके कबूतर भी बिल्कुल हेल्थी रहेंगे और बीमारियाँ आएंगी ही नहीं भाई। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।